नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अर्जुन दास केड़िया की जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अर्जुन दास केड़िया, जहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छे कवि थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, समाज के लिए बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। सेठ अर्जुन दास केड़िया, इनका जन्म हुआ था 1856 में हुआ था और सेठ अर्जुन दास केड़िया की मृत्यु हुई थी 1931 ईस्वी में। केड़िया जी का जन्म जयपुर में जन्मे थे और वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। कवि और बहुत अच्छे काव्य शास्त्री थे। अर्जुन दास केड़िया ने भारतीय भूषण नामक काव्य शास्त्रीय कृत 1928 के अतिरिक्त काव्य कालनिधि की रचना भी की थी। तो बहुत ही महान कवि थे। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दी।